नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन स्टार में। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएन भी कहा जाता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पहले विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसको कहा गया राष्ट्रसंघ, या इंग्लिश में कहेंगे तो लिंग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। किस संधि के द्वारा? वर्षाय की संधि के द्वारा यह लिंग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय था, जो राष्ट्रसंघ था, लिंग ऑफ नेशन था, उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जनेवा में, ठीक है। इस लिंग ऑफ नेशन के जो पहले जो महासचिव थे वो कौन थे? एरिक ड्यूरमंड थे जो पहले महासचिव थे इनके, ठीक है। और ये जो लिंग ऑफ नेशन, इनके जनक किसको कहा जाता है? इसके जनक विल्सन वुड्रो को कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये संस्था थी, उसके बाद में जब इसके बाद में भी क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो उसके बाद में इसकी जो उत्तराधिकारी संस्था है, लेकिन लिंग ऑफ नेशन की जो उत्तराधिकारी संस्था है वो कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसका जो नामकरण, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण किसने किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, इन्होंने इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया था। और या ऐसा कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनक किसको कहा जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को कहा जाता है। क्या होता है कि जब द्वितीय युद्ध होने के बाद में इसकी स्थापना होती है, तो क्या होता है कि 25 अप्रैल 1945 को क्या होता है, 50 देश होते हैं जो सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग करते हैं। और जो यूएनओ का जो संविधान है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को कहाँ आता है? यूएसए में आता है। इसका एक जो चार्टर होता है, संविधान हो सकता है, उसको बनाते हैं। इसको देख, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसको संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र भी कह सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र भी कहा सकता है, या चार्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जब सैन फ्रांसिस्को मीटिंग में ये बनाते हैं, तो इसको स्वीकृति यानी जो इसका यूएनओ का जो घोषणा पत्र है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं 51 सदस्य करते हैं। कब करते हैं? 26 जून 1945 को। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर देशों ने स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो 26 जून 1945 को की थी। अब इसने जब इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, तब इसका जो यूएनओ है उसने कार्य स्टार्ट किया था, या यूएनओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएनओ का स्थापना दिवस होता है जो 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी रियल में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब इन्होंने कार्य शुरू किया था, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब शुरू में कितने देश थे? पोलैंड जो 51वां देश था, और शुरू में कितने थे? 50 थे। उसके बाद में एक और जुड़ गया, पोलैंड, जो 51वां देश बना। यानी यूएनओ की स्थापना होने के टाइम में जो सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी, ठीक है। स्थापना देशों की संख्या कह सकते हैं तो कितनी थी? 51 थी। वर्तमान में देखा जाए तो यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? 193। इसमें से 193वां जो देश है वो कौन सा है? दक्षिण सूडान है। और ये कब शामिल हुआ था यूएनओ में? 2011 को हुआ था। और 192वां सदस्य की बात करें तो वो कौन सा है? वो है मोंटेनेग्रो है, जो यूएनओ का 192वां सदस्य देश है, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ का ऑब्जर्वर देश कितने हैं? यूएनओ के ऑब्जर्वर देश कितने हैं? तो आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को बना था। कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को बना था, ठीक है।
यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ आता है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ आता है? अमेरिका में आता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूएनओ का मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो किस द्वीप पर है? तो मैनहट्टन द्वीप पर है। और इसकी जो इमारत है वो कितने मंजिले हैं? 39 मंजिला है इसकी इमारत है, जो 39 मंजिला है। ठीक है, इस इमारत यूएनओ की जो इमारत है उसके जो वास्तुकार कौन है? तो उसके वास्तुकार का नाम है वालेस के हैरिसन। वालेस के हैरिसन है जो यूएनओ की जो इमारत है उसके वास्तुकार है। और जिस इमारत पर जो जिस जगह यूएनओ बना हुआ है, तो यूएनओ यूएनओ बना बना हुआ है तो वहां की जो भूमि दान किसने दी थी? तो उनके नाम उनका नाम आता है जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने वहां 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 पर भूमिदान दिया था। ठीक है ठीक है। अब जो यूएनओ का ध्वज आता है, यूएनओ का जो ध्वज है वो उस पर क्या है कि तो विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र है और जैतून की शाखाएं हैं। जैतून की जैसे यूएनओ का विश्व का मानचित्र ऐसे है, ग्लोब के अंदर दर्शाया हुआ है और दोनों साइड में दो जैतून की शाखाएं दिखाई हुई है। और ये क्या है? एकदम नीला नीला ध्वज है, नीला सफेद और नीला ध्वज है। कौन सा ऐसा है? इस तरह का है यूएनओ का ध्वज है। ठीक है, इसमें जो जो इसकी जैतून की जो पत्तियां आती है, जैतून की जो शाखा आती है वो एक शांति का प्रतीक माना गया है। इनको शांति का प्रतीक माना गया है। यह जैतून भी आ सकता है या इंग्लिश में बात करें तो ओलिव शाखा यूएनओ के ध्वज में है। तो यूएनओ के ध्वज में क्या है? जैतून शाखा या ओलिव शाखा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे जैतून, ओलिव को जैतून। ठीक है, अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 6। आगे ये बता देता हूं कि आपको उनके जो यूएनओ का ध्वज को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो 1947 में। कब की गई थी? 1947 में यूएनओ के ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, अब इसके जो यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो 6 कौन कौन सी है? तो 6 कौन कौन सी है? तो इसमें पहला आता है, जिसको इसको याद भी कर सकते हैं, फेस रस। किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? फेस रस। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा? फ्रेंच, ए से अरबी, सी से चीनी, ई से इंग्लिश, आर से रूसी और एस से स्पेनिश। ये भाषा है जो मान्यता प्राप्त भाषा है यूएनओ में, मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है, अब यूएनओ के अंदर जो कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? तो ये आती है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच है जो कार्यकारी भाषा है। यूएनओ का जो संविधान बना था, यूएनओ के संविधान में, यूएनओ का संविधान कह दो चाहे उसका चार्टर कह दो, उसमें कितने? 10,000 शब्द हैं। कितने हैं? 10,000 शब्द हैं। 111 धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। ठीक है, यूएनओ के संविधान में 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं और 10,000 शब्द हैं। इसकी जो यूएनओ के जो संविधान है उसकी जो मूल प्रति है वो कहाँ रखी गई है? वो राष्ट्रीय पुरालेखागार अमेरिका में। अमेरिका में क्या है? राष्ट्रीय पुरालेखागार है, वहाँ पर रखी गई है। राष्ट्रीय पुरालेखागार है, वहाँ पर इसकी मूल प्रति रखी गई है। और इसका जो संविधान है, यूएनओ का जो संविधान है वो मानव अधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कहा जाता है। इसको यूएनओ के संविधान को मानव अधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो यूएनओ है उसकी लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम है हैमरसोल्ड लाइब्रेरी। क्या नाम है? हैमरसोल्ड लाइब्रेरी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, यूएनओ का विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का विश्वविद्यालय कहाँ है? टोक्यो जापान में है। कहाँ पर है? टोक्यो जापान में है यूएनओ का विश्वविद्यालय। संयुक्त राष्ट्र महिला यानी संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 में की गई थी। कब की गई थी? 2011 में की गई थी। अब यूएनओ के यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 26 संगठन, कितने? यूएनओ के 26 संगठन है जो भारत में सेवा दे रहे हैं। कितने ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ के कितने संगठन है जो भारत में सेवा दे रहे हैं? तो उसका आंसर होगा 26 संगठन। ये आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यूएनओ था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो उसका गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। अब यूएनओ का जो मुख्य
मुख्य प्रशासन अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य प्रशासन अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। और ये महासचिव होता है जो सचिवालय, जो अपन आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पढ़ेंगे जिसमें आता है सचिवालय, तो सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ये महासचिव ही होता है। ठीक है, अब जो महासचिव होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव कैसे होता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होता है। ठीक है, यानी महासचिव का चुनाव कौन करेगी? महासभा करेगी, लेकिन सिफारिश किसकी किसकी है लगेगी? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? त्रिग्वेली। कौन थे? त्रिग्वेली। त्रिग्वेली थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। वो किस देश से संबंधित थे? नॉर्वे से। किस देश से संबंधित थे? नॉर्वे से। अगर मैं कह दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले उप महासचिव कौन थे, तो इसके पहले उप महासचिव थे वो थे लुई फ्रेशेट। लुई फ्रेशेट थे जो कहाँ के थे? कनाडा के थे। और ये पहले महासचिव बने थे वो कब बने थे? 1998 में। कब बने थे? 1998 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो द्वितीय महासचिव है वो कौन है। तो इसके द्वितीय महासचिव का नाम है डेग हेमरसोल्ड। क्या नाम है? डेग हेमरसोल्ड। ठीक है, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये एग्जाम के अंदर पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे कौन से महासचिव हैं जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है, तो क्या क्या नाम होगा उनका? डेग हेमरसोल्ड। ठीक है, और ये किस देश के निवासी हैं? स्वीडन के थे। किस देश के निवासी थे? ये स्वीडन के थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर वो जो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी का नाम क्या है? हेमरसोल्ड लाइब्रेरी है, ये रखा गया था। ठीक है, अब यूएनओ के जो तीसरे महासचिव का नाम क्या है? यू थॉट है जो यूएनओ के तीसरे महासचिव है, जो कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं। अब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूएनओ के पहले ऐसे महासचिव कौन है। बाकी सभी जो जितने भी महासचिव बने हैं वो कौन से किस तरफ के थे? यूरोपीय यूनियन के थे। अब ऐसे ही महासचिव कौन है? तो यूएनओ के पहले ऐसे ही महासचिव का नाम है यू थॉट है। मतलब ऐसा भी कह सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपीय नहीं होन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे कौन से महासचिव थे जिनको यूरोपियन हो नहीं होने के बावजूद भी चुना गया, महासचिव के पद पर चुना गया। तो उनका नाम आगा नाम क्या होगा? यू थॉट, जो म्यांमार के थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो यूएनओ के सातवें महासचिव का नाम क्या है। सातवें महासचिव का नाम है कोफी अन्ना। क्या नाम है? कोफी अन्ना। ठीक है, कोफी अन्ना ये कौन से देश के निवासी ये थे? गाना के। तो यूएनओ के सातवें महासचिव कौन थे? कोफी अन्ना थे, जो किस देश के निवासी थे? गाना के थे। इनके समय क्या हुआ था कि यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में। तो एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2001 में। उस समय यूएनओ के महासचिव कौन थे? तो कौन थे? कोफी अन्ना। कितने नंबर के थे? सातवें नंबर के थे। ठीक है, और यूएनओ के आठवें महासचिव का नाम क्या है? बान की मून। क्या नाम है? बान की मून। ये कहाँ के हैं, मतलब किस देश के निवासी थे? दक्षिण कोरिया। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में यूएनओ के नौवें महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। गुटेरेस, एंटोनियो गुटरेस है जो यूएनओ के नौवें महासचिव हैं, जो किस देश से संबंधित हैं? पुर्तगाल से। किस देश के हैं ये? पुर्तगाल के। और ये कब बने थे? 2017 से यूएनओ के महासचिव बने हुए हैं और अब तक बने हुए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कितने अंग हैं? तो यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, 1994 में, 1994 में क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक जो अंग था उनका नाम था न्यास परिषद, तो उसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 1994 में। ठीक है, तो यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 हैं, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला अंग है वो कौन है? महासभा। पहला
पहला अंग कौन सा है? महासभा। तो महासभा के बारे में पढ़ते हैं। महासभा को विश्व की संसद या विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग को विश्व की लघु संसद या विश्व की संसद कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? महासभा को। किसको? महासभा को। या ऐसे भी आ सकता है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा महासभा, महासभा को कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो व्यवस्थापिका है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो व्यवस्थापिका है वो कौन है? तो आंसर क्या होगा? महासभा। यानी महासभा होती है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका होती है। ठीक है, इसका अधिवेशन होता है जो वर्ष में एक बार होता है। महासभा का जो अधिवेशन होता है वो वर्ष में एक बार होता है। वो किस महीने में होता है? सितंबर महीने में होता है। सितंबर के तीसरे मंगलवार को होता है, या सितंबर माह याद कर सकते हो आप। इसका जो अधिवेशन होता है, यानी महासभा का जो अधिवेशन होता है वो वर्ष में एक बार होता है, वो भी सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को या सितंबर माह में होता है, और दिसंबर के मध्य तक रहता है। ठीक है, अब इसका जो कार्यकाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसका कार्यकाल कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसकी जो महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित है जो महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, ये कब बनी थी? 1953 में बनी थी। ठीक है, जो महासभा होती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इनको जनरल असेंबली भी कहा जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जो महासभा है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जनरल असेंबली भी कहा जाता है। या ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है? तो महासभा ने देखे वो क्या दे देगा? जनरल असेंबली ऑप्शन में। तो अपन को जनरल असेंबली सही करना होगा। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो न्यूयॉर्क में है, ये अपने पढ़ लिया था। इसका जो अध्यक्ष होता है, महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? एक वर्ष का होता है, और एक वर्ष में ही अधिवेशन होता है जो वर्ष में एक बार होता है। वर्ष में एक बार होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी एक वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब इसकी जो पहली बैठक हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसकी जो पहली बैठक होती है वो जनवरी 1946 में होती है। कब होती है? तो इसकी पहली बैठक हुई थी जनवरी 1946 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? लंदन में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्रत्येक राष्ट्र होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रतिनिधि भेजता है, कहाँ पर भेजता है? महासभा में। प्रत्येक राष्ट्र होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रतिनिधि भेजता है महासभा के अंदर भेजता है। ठीक है, लेकिन उनमें जो वोट देने का अधिकार होता है ओनली एक को होता है। वोट देने का अधिकार कितने को होता है? एक को होता है। ठीक है, ये महासभा क्या करती है? ये बजट को नियंत्रित करती है। तो महासभा का क्या क्या कार्य है? ये बजट को नियंत्रित करती है। या ऐसे पूछ सकता है कि यूनो के बजट को नियंत्रित कौन करती है? ठीक है, तो कौन होती है? महासभा। महासभा होती है जो यूनो के बजट को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे है कि जो सुरक्षा परिषद है के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करती है? तो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो महासभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा किया जाता है। अब ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, या इसको ऐसे कह सकते हैं अपन कि इकोसोक के सदस्यों को चुनना, आगे जो इकोसोक मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसके सदस्यों को कौन चुनती है? ये महासभा चुनती है। कौन चुनती है? महासभा चुनती है। ठीक है, अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग आता है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल, या ऐसा भी कह सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जो किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। या एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसको कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है? इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। या ऐसे भी आ सकता है कि विश्व का सिपाही किसको कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद होगा। ठीक है, अब शुरू में क्या थे? शुरू में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे।
11 सदस्य थे, मतलब 5 तो स्थायी थे और 6 अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। लेकिन 1963 से इनके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15 हो गई, जिसमें से 5 तो स्थायी सदस्य, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और अब 10 अस्थायी सदस्य होते हैं या गैर स्थायी कह सकते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन आ सकता है कि सुरक्षा सुदृढ़ संघ की सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10। सुदृढ़ संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें स्थायी सदस्य आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एफ बी कार, ठीक है। तो एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, ए से अमेरिका और रूस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं, इनके नाम हैं फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस हैं, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं, इनके पास जो ये स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास क्या होता है, वीटो का अधिकार होता है, ठीक है। अब ये वीटो का अधिकार होता है जो यूनो के कौन से संविधान, कौन सी धारा के तहत इनका वीटो का अधिकार दिया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्यों को किस धारा के तहत वीटो का अधिकार दिया गया है, तो धारा 27 के द्वारा इनको वीटो का अधिकार दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कब किया था, 1971 में किया था, ठीक है। यानी वीटो का अर्थ क्या होता है, वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, क्या अर्थ होता है, मैं मना करता हूँ, या निषेधात्मक वोट, ये होता है निषेधात्मक वोट। यानी किसी कार्य को लेकर अगर स्थायी सदस्यों में 4 की मंजूरी हो गई और 1 स्थायी सदस्य की मंजूरी नहीं हुई, उसने वीटो का प्रयोग कर लिया, तो वो कार्य निरस्त माना जाएगा, ठीक है। और ये जो वीटो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो है जो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर देखो कि जो महत्वपूर्ण जो पर्सन होते हैं, या महत्वपूर्ण पर्सन के दो, चाहे निर्णय के दो, चाहे सकारात्मक महत्व के दो, तो उसमें उस प्रस्ताव में 15 जो प्रस्ताव होते हैं, यानी कुल सदस्य देश 15 हैं, तो 15 जो अगर किसी प्रस्ताव को पास करना हो तो 15 सदस्य में से 9 की मंजूरी होना आवश्यक है। किसी प्रस्ताव यूनो में किसी प्रस्ताव को पास करने करने संबंधित, यानी 15 में से 9 की मंजूरी होनी चाहिए और उसमें से 5 तो स्थायी सदस्य होने ही चाहिए और 4 ऐसे सदस्य होने चाहिए, ठीक है। यूनो में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो यूनो में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, वो है TS त्रिमूर्ति। कौन है, TS त्रिमूर्ति हैं जो यूनो में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। अब हमने स्थायी सदस्यों के बारे में पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे अस्थायी सदस्यों के बारे में, ठीक है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, तो अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है, 2 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। वापस बताता हूँ, ठीक है। यूनो के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत अब तक 8वीं बार क्या हुआ है, यूनो का अस्थायी सदस्य बन चुका है, ठीक है। यूनो का अस्थायी सदस्य भारत कितनी बार बन चुका है, 8 बार, ठीक है। अभी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक क्या है, भारत है जो यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र या यूएन शांति सेना या संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, यानी जो यूएनओ के पास क्या अपनी खुद की शांति सेना है, तो यूएन शांति सेना है उसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था 1988 में दिया गया था। अगर मैं कहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था शांति के क्षेत्र में, तो 2001 आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यूनो में यूएन शांति सेना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1988 में, ठीक है। ये यूएन शांति सेना का गठन कब किया गया था, 1948 में कब किया गया था, यानी विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूएनओ शांति सेना की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनके इनके सर पर क्या होता है, नीला हेलमेट होता है, तो नीला हेलमेट की सेना भी कहा जाता है इसको, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि
हाँ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यानी यूएन शांति सेना को यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी कहा जाता है। यूएन पीस, पीस एंड शांति हो गया, कीपिंग फोर्स। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी, ठीक है। और इसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1988 में दिया गया था, ठीक है। एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यूएनओ की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो यूएनओ की सबसे प्राचीन संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1919 में होती है। कब होती है? 1919 में होती है, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंक है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको इकोसोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोसोक, शॉर्ट में, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब इसमें जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 54 देश है। कितने सदस्य देश हैं? 54 देश हैं। लेकिन प्रारंभ में जब आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की गई थी, उसमें प्रारंभ में कितने देश थे? 18। प्रारंभ में 18 थे, अब कितने हैं? इसमें 54 देश आते हैं। इन 54 देशों का जो चुनाव होता है वो कौन करती है? महासभा करती है 2/3 बहुमत द्वारा। मैंने आपको बताया था कि महासभा के कार्य में बताया था कि इकोसोक यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है, उसका जो के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के में सदस्य देश होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल के लिए होता है? इसमें 54 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल होता है जो 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए होते हैं। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की स्थायी संस्था है, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद है जो एक प्रकार की स्थायी संस्था है। इसमें 1/3 सदस्य होते हैं जो प्रतिवर्ष हर साल क्या होते हैं? पदमुक्त होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, और पुनः होते हैं उतने ही सदस्य, 1/3 सदस्य होते हैं जो पुनः निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इसकी बैठक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो बैठक होती है वो वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। पहली बैठक होती है जो न्यूयॉर्क में होती है, जो अप्रैल माह में होती है, और दूसरी बैठक होती है जो जुलाई में होती है, जनेवा में। तो इसकी बैठक होती है जो वर्ष में 2 बार होती है। किसकी? आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक होती है जो वर्ष में 2 बार होती है, एक तो अप्रैल में होती है और एक जुलाई में होती है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्य कौन करता है? तो ये कौन करती है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला जो होता है यूएनओ का चौथा अंग आता है वो आता है सचिवालय। कौन सा आता है? सचिवालय, ठीक है। तो सचिवालय में अपन देखते हैं कि इसका जो प्रमुख होता है, सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। इसका कार्यकाल होता है जो मैंने बता दिया था पहले ही, कितने इसका यूएनओ के महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। यूएनओ का मुख्य प्रशासन अधिकारी की बात करूँ तो कौन होगा? महासचिव होगा। कौन होगा? महासचिव होगा। अब इसका जो सचिवालय होता है वो क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दिन प्रतिनिधि के काम होते हैं उनको निपटाने का कार्य, निपटारा कामों का निपटारा करने का कार्य किसका द्वारा होता है? सचिवालय का होता है। यूएनओ के प्रतिदिन के कामों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्यालय है, इसका सचिवालय है, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आपको ये बता दूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, 6 अंग हैं, उसमें से 5 अंग हैं उनके कार्यालय है जो न्यूयॉर्क में है, और एक जो सूत्रार संघ अंग है जिसका नाम है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो कार्यालय है वो का है द हेंग में, नीदरलैंड में है, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्यालय है यूएन सचिवालय का वो न्यूयॉर्क में है, और इसका यूरोपीय कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो सूत्रार संघ की न्यायपालिका किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना कब होती है? अप्रैल 1946 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो हेंग नीदरलैंड में है, हेंग नीदरलैंड में है, ठीक है। इसका जो संविधान है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है उसमें 5 अध्याय है और 17 अनुच्छेद है। इसके संविधान में 5 अध्याय और 17 अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है जो एक तो जैसे
वॉर क्राइम होते हैं, युद्ध संबंधित जो घटनाएं होती हैं, और एक देश से दूसरे देश पर जो जबरदस्ती हमला करने संबंधी साजिश होती है या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने संबंधी साजिश होती है, तो उसका जो सुनवाई होती है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी, इसमें न्यायाधीश कितने हैं, 15 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं, 15 न्यायाधीश हैं, 15 न्यायाधीश हैं। इन 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जो क्या हो कितने कितने वर्ष के लिए होती है, 9 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो 9 वर्ष के लिए होती है, या ठीक है, अब इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। इसमें क्या होता है, जो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होते हैं, पांच पांच सदस्य, पांच जो न्यायाधीश होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी ये जो 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों में से जो 15 सदस्य हैं उनमें से जो 3 वर्ष बाद में 5 सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। अगर बाहर से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 9 वर्ष का। यानी किसी भी देश से अगर न्यायाधीश चुना जाता है तो उसका कार्यकाल 9 वर्ष का होगा। और इसमें 3 वर्ष बाद क्या होते हैं, पांच जो न्यायाधीश होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर पुनः पांच और चुने जाते हैं। ठीक है, अब इनका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों में से अपने में से क्या, एक तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, चुनाव किया जाता है। 15 में से एक अध्यक्ष बनता है और एक उपाध्यक्ष बनता है। अब जिसमें जो अध्यक्ष बन गया और उपाध्यक्ष बन गया तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा। यानी वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष कितने साल के लिए रह सकता है, 3 वर्ष के लिए रह सकता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष भी 3 वर्ष के लिए रह सकता है। ठीक है, अब कोई भी जो मत होता है उसमें जो या कार्रवाई का संचालन करने संबंधित कार्रवाई का संचालन करने के लिए कितने कोरम की आवश्यकता होती है, या गणपूर्ति की बात करें तो वो किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने मतलब न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तो 9 न्यायाधीशों की आवश्यकता होनी जरूरी है। 9 न्यायाधीश कोरम, कोरम के लिए भी 9 न्यायाधीश, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 9 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जो सरकारी भाषा है वो कौन कौन सी है, तो फ्रेंच है और अंग्रेजी है। कौन कौन सी है, फ्रेंच है और अंग्रेजी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें पहले भारतीय न्यायाधीश जो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुने गए हैं। यानी अगर मैं कह दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वह भारतीय न्यायाधीश कौन है जो अध्यक्ष चुने गए, सर्वप्रथम अध्यक्ष चुने गए, भारतीय अध्यक्ष चुने गए, तो वो कौन है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि वे प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, कौन हैं जो उपाध्यक्ष चुने गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उपाध्यक्ष चुने गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उपाध्यक्ष चुने गए, तो वो कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, अब जो क्या होता है कि इसमें जो शर्त ये होती है कि 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं चुने जाते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं उसमें से जो 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं उसमें से 2 न्यायाधीश होते हैं जो एक देश से नहीं चुने जा सकते, अलग अलग देशों से अलग अलग न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है, अब 70 की समाप्ति, जब 70 की समाप्ति होती है, समाप्ति के बाद क्या होता है, पुनः निर्वाचित किए जाते हैं कौन, न्यायाधीश। मतलब ये कह रहा है कि जो 9 वर्ष कंप्लीट हो गए, 15 न्यायाधीशों को चुन लिया, तो उनकी 70 की समाप्ति हो गई, तो उन्हें पुनः उनको पुनः वापस निर्वाचित कर सकते हैं अपन। ठीक है, वो ये बात कर रहा है। ठीक है, इनकी नियुक्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, पहले भारतीय न्यायाधीश, अगर मैं कह दूं कि पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन है, तो वो उसका आंसर क्या होगा, बेनेगल रामा राव। अगर मैं कह देता हूं कि पहले भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष, या वह पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह।
ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। इनकी नियुक्ति होती है जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। ठीक है, ये हो गए यूएनओ के कितने अंग हो गए, पांच अंग हो गए, यूएनओ के पांच अंग हो गए। और छठा अंग कौन सा है, न्यास परिषद, कौन सा है, न्यास परिषद है। छठा अंग कौन सा है, न्यास परिषद है, जो जिसको 19 इसकी समाप्ति कब हो गई थी, इसको 1994 में समाप्त कर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं, छः अंग हैं, अब कितने रह गए, पांच अंग रह गए। ठीक है, ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर भी करें। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी जो पिछले साल या जिन्हें भी जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन का पूरा संग्रहण है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वेट 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 वेट, अरे यार एक और क्वेश्चन छूट गया, चलो ये देखते हैं। ठीक है, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने देने वाले पहले भारतीय कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन है, वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इन्होंने कब दिया था भाषण, 1977 में दिया था, उस समय ये भारत के विदेश मंत्री थे। कौन थे, विदेश मंत्री थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ के 32वें अधिवेशन में ये इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में। ओके, थैंक यू।